वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फार्मासिस्ट कंचन कुमार। आज हम लोग नए डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम हम लोग बेक्लोमिथा जॉन बोलते हैं। बेक्लोमिथा जॉन आज वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इसके ब्रांड नेम, इसके यूज, इसके साइड इफेक्ट और इससे क्या क्या प्रिकॉशन है, इससे क्या बचना चाहिए किस किस कंडीशन में, और किन किन मेडिसिन के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रांड नेम के बारे में। ब्रांड नेम इस पे को अस्मा बैक या बेक्लाजोन, बेकोडिस्क, बिकोनाज, क्लेनी मेडुलू क्लिफर, पुलविनोल, कुबर एंड अदर मेडिसिन के नाम से जानते हैं। बेक्लोमिथाजोन इज ए कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। बेक्लोमिथाजोन क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो क्या करता है, एलर्जिक अर्थराइटिस को ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है, जैसे कि अस्थमा इटीसी। इसको नसल स्प्रे या इनहेलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, इट कंट्रोल नसल सिम्टम्स बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। ये नसल सिम्टम्स को कम करता है, क्या करता है, इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस चेस्ट सिम्टम्स। चेस्ट छाते से रिलेटेड सिम्टम्स को ये कम करता है, जैसे कि वीजिंग, कफिंग, अस्थमा, सफर पेशेंट के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको किन किन रूप में लिया जाता है, इसको इनहेलर, नसल स्प्रे या टेबलेट के रूप में लिया जाता है। इसको एक 2 से 4 बार डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट के लिए 1 से 2 पप्स या 2 से 4 पप्स डेली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। 1 से 2 स्प्रे इस नोस्टल के माध्यम से ले सकते हैं दिन में। इसको मैक्सिमम 4 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, 1 से 3 डेज का रहता है। ड्यूरेशन इसका लंबे समय तक रहता है। डाइट एडवाइस क्या है कि आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज, इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है और लाइट से और बच्चों से दूरी बनाकर रखना। मिसडोज होने पर कोई समस्या नहीं, आप 2 घंटे के अंदर इसको तत्काल ले सकते हैं और अपने टाइम को रिशेड्यूल कर सकते हैं। स्पेशल प्रिकॉशन क्या है, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मात्रा कम करके लेना है। अगर 60 से ऊपर के हैं तो भी कोई समस्या नहीं। अल्कोहल और ड्राइविंग के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हैं, सांस लेने में थोड़ी समस्या होना, या खांसना, ब्रशिंग, गला में खिंच खिंच, नोज, नाक से खून बहना इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका कुछ भी इंट्रेक्शन नहीं है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी क्लैरिटी के साथ वीडियो बना के लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।